37, Ezekiel 36 का 37, Ezekiel 36 का 37, परमेश्वर का यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि इज़राइल के घरानों में फिर मुझसे विनती की जाएगी, फिर मुझसे विनती की जाएगी, मैं उनके लिए यह करूं, मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं, मैं मनुष्य का उनमें मनुष्य का गिनती भेड़ बकरी का गिनती के समान बढ़ाऊं। एक मिनट हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, इसी भेड़ बकरियों का स्वभाव मेरा जीवन में भी हो, मेरा जीवन में इसी भेड़ बकरी का स्वभाव को शैतान छीन ना पाए। खुदावंद, मुझे भी सहायता कर, आशीर्वाद कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। यहाँ पर भेड़ बकरी का और एक स्वभाव के बारे में बताया हुआ है। ये भेड़ बकरी का और एक स्वभाव क्या मालूम है? बोलिए, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है? ओ, भेड़ बकरी का झुंड का समान में बढ़ाऊंगा। मतलब क्या है? भेड़ बकरी का झुंड हमेशा बढ़ते रहता। ये भेड़ बकरी का झुंड क्या है? बढ़ते रहेगा। तो उसी के क्या करना, तुम मुझसे विनती करो, इससे मैं मनुष्य का संगति का ऐसा बढ़ाऊंगा जैसा भेड़ बकरी का झुंड में संगति बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगला भेड़ बकरी का स्वभाव क्या है? ये हर साल जुड़वा बच्चा देते रहेगा, ये बच्चा देते रहेगा। ये अब्राहम इतना बड़ा धनवान बन गया, जाकूब इतना बड़ा धनवान बन गया, कहां से बना मलबे? बोला बिजनेस खोला था क्या? कोई फैक्ट्री खोला है? फिर क्या किया? भेड़ बकरिया। जाकूब इतना बड़ा करोड़पति बन गया, कैसा बन गया? भेड़ बकरिया से ही बड़ा। ये भेड़ बकरी क्या करता है? इसका काम है बच्चा फायदा करते रहना, और देने भाई नहीं देखता है। इसका काम है क्या करना है? बच्चा देते ही देना, बच्चा देते जाना, ये इनका स्वभाव है। आज विश्वासी लोग कभी इसी तरह का स्वभाव होना चाहिए, इस स्वभाव का शैतान छीनना चाहते। आज बहुत प्रकार की कार्य में विश्वासी लोग को बिसी रखता है शैतान। क्या है? बिसी, घर में ही बिसी। कुछ लोग को देखे विश्वासी घर का अंदर में ही 24 घंटे पकाना खाना पकाना खाना पकाना खाना, और कोई काम नहीं है। 24 घंटे कभी जिंदगी में 1 घंटा समय निकाल के कम से कम 2 घर में सुसमाचार बताएंगे नहीं करता। बड़का बड़का मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें हम कितना वीडियो अपलोड करके रखा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस है। इतना चिन्ह चमत्कार का, अभी भी कितना चिन्ह चमत्कार होता रह रहा है। हम वीडियो लेना बंद कर दिया अपलोड करने में, क्यों? पूरा यूट्यूब ओवरलोड हो जाता है। कल भी एक दुष्टात्मा आया, कहीं नया कहीं हिंदू से, इतना भयानक था, प्रभु उनको भी छुड़कारा दिया। इतना लोग बीमारी बलगन रोग तकलीफ आता है, प्रभु छुड़कारा देता है। ये चिन्ह चमत्कार को हम औरों को लेकर जाकर बताना, मसीह में लेकर आना। ये झुंड का बहुत बड़ा काम है मसीह में लेकर आना। चरवा बच्चा नहीं देता, बच्चा कौन देता? भेड़ बकरी देता। शुरुआत में कुछ बच्चों को खरीद कर लेकर आके या लेकर आके कैसा भी झुंड बनाने का काम सरवा का है। उसके बाद वो झुंड बढ़ोतर होने का काम झुंड का है। चरवा का काम क्या है? हरी चराई में चराना है, सुख जाए दल के पास लेकर जाना है। ये सुख जाए दल के पास का अनुभव क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक का अनुभव, और हरी चराई में
आपका प्रभु का वचन को अच्छा सा लेकर बता के समझा के आपको आत्मा को पुष्टि करवाना। परमेश्वर वचन का ज्ञान और पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये दोनों हो जाएंगे हर विश्वासी बच्चा देते रहेगा। बच्चा देगा कि नहीं देगा? हर विश्वासी का कवे बच्चा देना। यहां पर उम्र का कोई हिसाब नहीं है, जो भी उम्र में हम बच्चा देते हैं, यदि आप बच्चा देना चाहते हैं, प्रभु ऐसा ही सिचुएशन बनाएगा। पहले तो शुरुआत में हर घर घर में जाकर हम पॉम्पलेट देखे, हैंडबिल देखे, लोगों को सुसमाचार बताया, उनके चर्च में लाया। अभी प्रभु ऐसा ही मौका दे रहा, मैं घर में बैठा रहता हूँ, लोग हर दिन ढूंढ के इधर आता, हर दिन ढूंढ के इधर आता है। कहीं यूट्यूब में देखा है, कहीं व्हाट्सएप में देखा है, कहीं ना कहीं है, वो देख के वो लोग एड्रेस ढूंढ के वो यहाँ पर खुद ही आता है। जो आ रहा है उन्हीं लोग को सुसमाचार बता के उन लोग मसीह में बनाते रहते। तो ध्यान दीजिएगा, आज ये झुंड का स्वभाव कभी खत्म नहीं होना है। कुछ लोग पहले शुरू में बहुत दौड़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, पुराना मछली बन जाता है। जब नया मछली था वो लोग बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, नए नए जगह में जाता है, नया नया आत्मा जीतता। इस साल में मैं इतना आत्मा जीतूंगा, इस साल में मैं इतना आत्मा जीतूंगा, इस साल में इतना आत्मा जीतूंगा। पास्टर का कंबल को भूल जाइए, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन प्रभु का उसे पुरस्कार मिलेगा। प्रभु का उसे आपका मुकुट में इतना मोती हो जाएगा। अब से इसका बात यही है, बहुत से विश्वासी आत्मा जीतने का काम नहीं करता। थोड़ा समय मिलता तो भी क्या करता है, पुराना विश्वास का घर में घूरते रहता है। कैसे लीडर की ना हो, बाकी लोग की ना हो, पुराना घर में ही घूरते रहेगा, घूरते रहेगा, घूरते रहेगा। पुराना विश्वास का घर में घूर के आपका आत्मिक जिंदगी चौपट हो जाएगा। कैसा चौपट होगा? पुराना विश्वास के घर में बैठते बैठते क्या हो जाएगा, उनके बारे में, इनके बारे में, वो सिस्टर वैसा है, वो ब्रदर वैसा है, वो पास्टर वैसा है, पास्टर नहीं वैसा है, उसी तरह की बातचीत बोल के बोल के बोल के आपका आत्मिक जिंदगी अंधेरा हो जाएगा। इससे आपका प्रभु का अनुग्रह खत्म हो जाएगा, प्रभु का कृपा खत्म हो जाएगा, प्रभु का अभिषेक खत्म हो जाएगा, आपकी मेरी में प्रभु का उपस्थिति खत्म हो जाएगा, सिर्फ अन्य भाषा बचा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, आप आत्मिकता में आगे बढ़ना, नया घर में जाइए। लोग नया घर में नहीं जाना चाहते, नया नया घर में जाइए। कितना लोग है आपको चारों तरफ देखिए, फील्ड ही फील्ड है। कितना लोग दुख में, तकलीफ में, परेशान में, मुसीबत में, चिंता में, चंचल में, बीमारी में, कष्ट में, नष्ट में, दुख में, बेचैन में, चारों तरफ देखिए कितना लोग सुसाइड करके मर रहा। आज के न्यूज में, कल के न्यूज में हम देखा, कॉलेज स्टूडेंट चार लोग, अरे तकरीबन 70 दवाई खाके मर गया, तीन तो सीरियस में एक मर गया सुसाइड। क्यों लोग सुसाइड करता है? दिल में शांति नहीं है, दिल में शांति नहीं है। वो लोग सोच रहा है मर गया तो, मर गया तो मेरा शांति मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, मर गया तो सीधे नरक मिल जाएगा। बेचारा उधर तो पूरा ऐसा ही क्या बनाता है, आपको पूरा ही ऐसे तंदूरी बना देता है, डायरेक्ट आग में क्या करेगा, उधर तंदूरी बनाएगा। हालेलुया। तो आज अपना जीवन में थोड़ा समझिए, तो उन लोगों को यीशु का चाहिए। यदि यीशु का जानकर हम चुपचाप रहे, हमारा दोष है, हम लोग के ऊपर दोष हो गए हो जाएगा। आज हमारे जीवन में आप लोगों को बहुत मौका है। आज हमारा चारों तरफ में देखिएगा पूरा हम लोग से जलता है। जलता कि नहीं जलता? जलता। क्यों जलता? अरे पहले एक पुराना टूटा हुआ बाइक लेकर आया था, एक छोटा सा रूम लेकर बैठा था,
और रूम भी फिनिशिंग नहीं था, दरवाजा नहीं था, इधर आकर बैठा। अभी धीरे धीरे हम लोग से भी बड़ा आदमी बन गया। इतना भीड़ आ रहा है और भी भीड़ आ रहा है, क्यों है? बोला अंदर क्या हो रहा है? जल रहा है। उसी के बीच में कुछ लोग ऐसा है, इन लोग को और भी जलाने के लिए आग डालता है। अरे ये सबको किधर किधर रखना नहीं है, ये रखेगा तो क्या करेगा? हम लोग अब सबको क्रिश्चियन बना देगा, मसीह बना देगा। और इसी तरह बोल बोल के क्या करता है, बहुत लोग को भरमा देता है। हालेलुया। फिर भी क्या है, हम खुशी होते हैं ताकि दूसरों का मन में जलन होने के लिए प्रभु मुझे इतना अच्छा रखा है। हालेलुया। हमको प्रभु इतना अच्छा रखा है, बोल करना वो लोग इतना जलता है कि नहीं? इसी तरह आपके जीवन में भी प्रभु का आशीष भरपूरी करेगा। वो उसके ऊपर निर्भर है। जब आप आत्मिक जिंदगी में कितना आप बढ़ते हैं, उसी नाप में सारी बातों में भी प्रभु आपको आगे बढ़ता रहेगा। आप अनेक का गवाही, यही जरूर होगा ताकि जब आप मसीह में आया तब से भी आज आपको अच्छा रखा या नीचे रखा? कितना बोलते अच्छा रखा? पहले कितना को नौकरी चाकरी नहीं था, प्रभु नौकरी चाकरी दिया। पहले कितना लोग अपना जमीन नहीं था, प्रभु जमीन दिया नहीं दिया। कितना लोग को गाड़ी घोड़ा नहीं था, अभी प्रभु गाड़ी घोड़ा दिया, दो चक्का दिया, चार चक्का दिया। घर नहीं था, प्रभु कितना लोग को घर दिया। बच्चा नहीं था, कितना लोग को प्रभु बच्चा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। भरपूरी किया नहीं किया? कितना लोग बोलते प्रभु मेरे को भरपूरी किया, हालेलुया करेंगे। हालेलुया। अब एक बार हाथ उठा के हालेलुया करेंगे। हालेलुया। आमीन। तो आप अपने जीवन में समझिएगा, प्रभु इतना बढ़ाई करने के बाद प्रभु के लिए हम क्या करेंगे? प्रभु का आखिरी आज्ञा है, जाओ सारी सृष्टि को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, प्रचार करो। अभी आप सोचते हैं इनको प्रचार किया लेकिन ये नहीं माना, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर दिया, बाकी काम प्रभु का है, वो करेगा। आप किसी को भी जाकर हमारा चर्च में ऐसा ऐसा चिन्ह चमत्कार हो रहा है, अंधा गुंगा बहरा लंगड़ा, इतना पागल, इतना दुष्टात्मा निकल रहा है, इतना कैंसर चंगा हो रहा है, आप उन लोगों को गवाही दिया, आज नहीं मानेगा लेकिन वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, जरूर आएगा। वो वक्त में क्या करेगा मालूम है? उन लोग का जब डॉक्टर जवाब देगा ना, तब आपका हाथ याद आएगा, तब आपके पास जरूर वो आएगा, टूट कर आएगा। भाभी हम कभी चर्ची में लेकर जाइए, आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर अपने आंखों से हर जगह हम देखते हैं, हर जहां पर हम देखते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज अपना जीवन को थोड़ा समझो। आज आप उनको नहीं बोलेंगे तो कैसा होगा? एक छोटा सा दाना आप कहीं मिट्टी में डाल दो, उसके लिए पानी छिंच जाना प्रभु का काम। हालेलुया। उसका वातावरण बनाना प्रभु का काम। वो 100 गुना फसल देना प्रभु का काम। और किसी को प्रभु बोलेगा इसको पानी दो, और किसी को बोलेगा ये फसल काटो, और किसी को बोलेगा इसके खत्म इकट्ठा करो, वो एक दिन आपके पास आपके साथ वो स्वर्ग में आकर आपके बगल में खड़ा हो जाएगा। अरे अब आ गया। हाँ जी, आप उस दिन हमको भैंस के बारे में बताया, और दूसरा बाप ये ना वो हमको चर्च में लेकर गया, और तीसरा बाप ये ना हमको 32वां तक तैयारी किया। हालेलुया। इससे पौलुस बोल रहा है, बोया है काटा है, सबका अपना अपना प्रतिफल प्रभु देगा, सबका अपना अपना प्रतिफल प्रभु दे देगा। इसलिए बहुत लोग हैं ये काम नहीं करते। इसे प्रभु बोला है, बस भी है कि क्या करना है, वो वचन को दोबारा पढ़ेगा, मुझसे विनती कर। पहले क्या करना है? विनती करना है, प्रभु से विनती करना है, प्रभु से विनती करना है। पढ़ेगा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे। सुनो ए बाबू, ऐसा रखो, ऐसा मत रखो, ऐसा रखो, ऐसा ये टच नहीं होना। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी। मुझसे इज़राइल का घराना क्या करना है? मुझसे विनती किया जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, मैं उनके लिए यह करूं,
अर्थात उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों उनमें मनुष्य का गिनती भेड़ बकरियों के समान भेड़ बकरियों का समान बढ़ाओ बढ़ाओ हालेलुया भेड़ बकरी ऐसा ही बढ़ता है। एक दो बन जाएगा, दो चार बन जाएगा, चार आठ बन जाएगा, आठ सोलह बन जाएगा, सोलह बत्तीस बन जाएगा। हालेलुया ऐसा ही है। एक बार ऐसा एक बकरी का बच्चा किसी बाइक में ये हो गया तो उन्होंने पूछ रहा था एक बच्चा बड़ा होएगा बच्चा देगा वो उसका बच्चा देगा कितना पैसा मिलेगा तुम मरवा दिया उतना पैसा दो। हालेलुया बेचारा इतना सा बच्चा वो मर गया है उसको बोल रहा है ये बड़ा होके बच्चा देगा वो बच्चा लो और बच्चा देगा कितना बड़ा नुकसान हो गया उसका माथा घूम गया। वैसा ये भेड़ बकरी का क्या है भीड़ बनाना है। हर एक विश्वासी हर रविवार एक कोशिश करना हर रविवार एक कोशिश करना मैं चर्च जाएंगे तो मैं अकेला नहीं जाएंगे। हालेलुया मैं अकेला नहीं जाएंगे क्या करेंगे औरों को भी लेकर जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। आप पहले ही वो तैयार होकर उनके घर में जाना पड़ेगा उसके भी लेकर आने के लिए। आमीन। तो मेहनत करना पड़ेगा उसका परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए दौड़ धूप करना पड़ेगा। उसके लिए तब तक दौड़ धूप नहीं करेंगे तो आत्मा जीतना मुश्किल है। हालेलुया आत्मा जीतना है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी धन दौलत इधर ही रह जाएगा। आपका धन दौलत कहाँ रहेगा आपका घर कहाँ रहेगा आपका घर कहाँ रहेगा स्वर्ग में। आपका पृथ्वी में जो घर है वो इधर ही रहेगा। आपका बैंक बैलेंस कहाँ रहेगा इधर ही रहेगा। आपका सोना चांदी कहाँ रहेगा आपका सोना चांदी इधर ही रहेगा। सिस्टर थोड़ा घुमकाइए बच्चा को लेकर जाकर थोड़ा घूम कर दूध दूध पिला के लेकर आओ। हालेलुया थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा धन दौलत इधर ही रहेगा। आपका सोना चांदी इधर ही रहेगा। आपका खेती बाड़ी इधर ही रहेगा। हालेलुया सब कुछ इधर रहेगा। आपका कितना भी अच्छा अच्छा फर्नीचर अच्छा अच्छा पलंग अच्छा अच्छा जो भी आइटम है सारी एसी पीसी सब इधर ही रहेगा। आप पहनावा रेमंड कपड़ा इधर ही रहेगा। नंगा आया नंगा जाएगा प्रभु को थूरी भुगतान समय पहनावा कपड़ा के साथ नहीं जाएंगे। इसके पहले भी एक फिल्म हम देखा रैप्चर के बारे में एक फिल्म था तमिल में बहुत फिल्म आता है तमिल में बहुत फिल्म आता है रैप्चर के बारे में एक फिल्म है उसी में अचानक प्रभु का थूरी पुका उसका कपड़ा इधर है सबका कपड़ा जूता चश्मा इधर ही है हाथ में मणिपर्स बैंक बैलेंस एटीएम कार्ड सब इधर ही है उधर ही गिरा हुआ है। हालेलुया सब कुछ यहाँ पर है इतना है। आप जो सिर में रखा हुआ झूठा बाल क्या बोलते हैं उसका वो भी इधर है सब कुछ इधर है। हालेलुया सब कुछ इधर है। आपका जूता दांत से लेकर आपका आत्मा का रोशनी का लेंस तक सब इधर पड़ेगा कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन आपका तुरी फूकते समय आप रूबान रखे अकेला मगिमा का वस्त्र जो मगिमा का वस्त्र आदम ने अव्वा ने खो दिया पाप करके खो दिया ओ महिमा का वस्त्र के साथ आप लोग रूपांतर हो जाएंगे। कुछ भी हमारा साथ नहीं आएगा। कीबोर्ड आएगा कीबोर्ड आएगा एक माइक सेट आएगा कुछ भी मोबाइल आएगा। कुछ लोग मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकता। पति के बिना रह जाएगा पत्नी के बिना रह जाएगा। हालेलुया मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकता सवाल ही नहीं। लेकिन मोबाइल जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन आज ये सारी चीजों को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। मेरा मोबाइल प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए मेरा सारे सामान प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। यहाँ का आप जीता हुआ एक आत्मा आप जीता हुआ एक आत्मा आपके साथ स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया आप कितना आत्मा को मसीह में लाया है मालूम है। आप स्वर्ग में जाकर खड़ा हो जाएगा आपके पीछे एक लंबा लाइन खड़ा हो जाएगा।
क्या खड़ा हो जाएगा, एक लंबा लाइन खड़ा हो जाएगा, लंबा लाइन खड़ा हो जाएगा, ये लंबा लाइन आप मुड़ कर देखिएगा, अरे सिस्टर आप भी, हाँ आप तो उस दिन होंगे सिस्टर वचन बताए, आप सोचा भी नहीं होगा, बस में जाते समय किसी को एक ट्रैक्ट दे दिया, एक हैंडविल दे दिया, वो आपके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। शायद हो सकता है वो हमारे चर्च में नहीं आया, ये हैंडल का पढ़कर अपना बगल में आओ चर्च में गया, हाँ कहीं बत्तीसवा ले लिया, वो मन पर लिया, वो भी आकर उधर खड़ा हो जाएगा आपके पीछे। हले लियो सबका ही नाम। तो इसीलिए आज हम अपना जीवन में, आज अपना जिंदगी में हम करने वाला बहुत बड़ा काम क्या मालूम है, सोल विनिंग। क्या काम करना है, सोल विनिंग। आप कितना भी दो, आप दशांश देना भी बड़ा बात नहीं है, आप दान दशांश देना भी बड़ा बात नहीं है, उससे भी इंपॉर्टेंट है सोल विनिंग करना, आत्मा जीतना। हालेलुया, आत्मा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं इतना जल्दी नहीं मन फिरेगा, नहीं मन फिरेगा, यीशु खुद स्वर्ग छोड़कर आया, यीशु खुद स्वर्ग छोड़कर आया, इतना चिन्ह चमत्कार किया, इतना चिन्ह चमत्कार किया कि नहीं किया, कितना चिन्ह चमत्कार करके भी मुर्दे को जिंदा खड़ा करके भी, तीन तो मुर्दे को जिंदा करवाने का बावजूद भी कितना लोग विश्वास किया यीशु को। हालेलुया, लेकिन प्रभु अपना काम बोला हम पूरा कर दिया, जो काम करना पूरा कर दिया। लेकिन आज भी ऐसा ही है, यीशु खुद आया तो लोग नहीं मन फिरा, आप जाकर यीशु के बारे में बताएगा तो लोग मन फिरेगा, अरे आपके पास एक भगवान है, हमारे पास 33 करोड़ भगवान है, बोलेगा कि नहीं। हाँ, आपके भगवान के पास बेचारा कुछ भी नहीं, एक हथियार भी नहीं है, हमारे भगवान के पास बहुत तलवार है, गदा है और त्रिशूल है, हाँ क्या क्या है ना, वो पूरा है तो बोलेगा, तो उससे मतलब। लेकिन हम अपना काम करते रहना, कभी बंद मत कीजिए, मुंह बंद मत कीजिए, सुसमाचार के लिए मुंह बंद मत कीजिए। हालेलुया, बोलते रहिए, बोलते रहिए, शहर आटो में जा रहा है, बगल में आदमी को ट्रैक दीजिए। हालेलुया, रेलवे स्टेशन में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, ट्रैक दे दीजिए, वो मन करे ना करे, वो मेरा काम नहीं, वो प्रभु का काम है, ताकि वहां पर मिला है थोड़ा पढ़ने का उनके पास टाइम मिलता है, ट्रेन में टाइम मिलता कि नहीं मिलता। आज अपना जीवन में जो अपना मोबाइल में ज्यादा पूछेगा, मोबाइल में अपना वीडियो वगैरह दिखाइए, चिन्ह चमत्कार दिखाइए। आज अंग्रेज मिशनरी लोग अपना जिंदगी कुर्बान करके, जिंदगी कुर्बान करके इंडिया में आकर सुसमाचार बताया। बोलिए आज हम कितना अच्छा यीशु के बारे में जान लिया हिंदुस्तान में, वो कैसा हुआ है, कई मिशनरीज लोग अपना जिंदगी को कुर्बान किया, अपना देश छोड़ के, अपना बहुत अच्छा सोसाइटी छोड़ के, सुरक्षा छोड़ के धरती पर इंडिया में आकर रक्त गवाही बन के मरा, रक्त गवाही देना वो एमी कैमर कार्मिकल किधर हो सुना, 19 साल उम्र में जवान लड़की आकर यहां पर जिंदगी भर सेवा किया, हजारों हजारों मन फिरा, आज भी उनका स्कूल है डोनावर मिशनरी स्कूल है, हमारा जो है विक्की वगैरह उधर ही पढ़कर आया तमिलनाडु में, तुलसी का हस्बैंड है ना, इतना बड़ा बड़ा मिशनरी आया अपना देश छोड़कर, हम लोग अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते, अपना पहला बूंद पसीना तक बहुत बचा कर रखते, हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस होना नहीं चाहते, थोड़ा सा कष्ट उठाना नहीं चाहते। हालेलुया, थोड़ा सा मेहनत करना नहीं चाहते, थोड़ा सा परिश्रम करना नहीं चाहते। अब सोचिए हम उन लोग के साथ महिमा में, उनका साथ सिंहासन में बैठना चाहते, लेकिन उन लोग का तरह मेहनत करना नहीं चाहते। बोले अपना देश में हम सुसमाचार बताए नहीं बताते, कितना लोग बेकार घर में बैठा रहते, सिर्फ घर का काम रन्ना खाना बनाना है, लिपाई करवाना है, सफाई करवाना है, कपड़ा धोना है, यही काम 24 आवर्स हर दिन। कितना लोग है ड्यूटी नहीं है, आज काम नहीं है, थोड़ा प्रभु का सुसमाचार फैलाएंगे, नहीं टाइम मिला तो क्या करता है, विश्वास के घर में जाकर बैठे रहेगा, गप्पा मारेगा और चाय पानी पी के
चाय पानी पी के उधर चाय मिलेगा, बड़ा मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, वो खा पी के उधर ही घूम के इधर करता है, इधर का बुराई उधर डालना है, उधर का बुराई इधर से लेना है, वैसे घूमते रहता भाई। एक दिन एक विश्वासी जो अविश्वासी के घर में जाओ, एक एक दिन एक एक घर में जाइए, छह दिन अब छह दिन सप्ताह का छह दिन रविवार को छोड़िए, छह दिन आप प्रभु के लिए छह घर जाएंगे, सातवां दिन आप चर्च आते समय कम से कम एक घर को प्रभु आपके साथ जाना देगा, जाएंगे नहीं। आप पहले से ही क्या है जजमेंट कर लेते हैं, अरे ये लोग तो पढ़ नहीं करेंगे। हालेलुया, ऐसा मेरा मन में कोई सोचा रहेगा तो कैसा होगा, दारू पे के गुंडा बन के घूमता था, यदि मेरा भी उसे अरे ये कहाँ से मन फिरेगा, हम मन फिरने के बावजूद भी लोग विश्वास नहीं करता था, हम मन फिरने के बाद भी लोग विश्वास नहीं करता था, वही नजर से देखता था, वो ड्रामा तो नहीं कर रहा है। हालेलुया, आज ऐसा एक आदमी नहीं है जो प्रभु से मन नहीं फिरा सकता, यदि आप नहीं करेगा वो काम और कहीं से होगा, यदि आप नहीं करेंगे और किसी से होगा, लेकिन आप उस दिन दुख से पाया जाएगा, इसे झूठ बढ़ना है। हालेलुया, कुछ लोग झूठ बढ़ने से असुविधा है, बैठने का जगह नहीं मिलता है, बहुत गर्म लगता है, बहुत भीड़ लगता है, ऐसा कुछ लोग बोलते रहता है, वो क्या है कभी भेड़ बकरी बोलता है नहीं हम बच्चा देंगे तो झुंड बढ़ जाएगा, हमको जगह नहीं मिलेगा, हमको चारा ही नहीं मिलेगा, हमको पानी नहीं मिलेगा, कभी भेड़ बकरी सोचता नहीं, उसका काम है बस वो चरवा देख लेगा। हालेलुया, प्रभु एक चरवा को रखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह बड़ा महान चरवा है, आमीन, वो देख लेगा। तुम्हारा काम झुंड इकट्ठा करते रहना है, झुंड इकट्ठा करते रहना है, झुंड उसको बुलाते रहना है। हालेलुया, आज अपना जीवन में समझना, हम हर हफ्ता जाएंगे, एक निश्चित लीजिए हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, मेरे साथ कम से कम एक विश्वासी को चर्च में लेकर जाएंगे। कितना लोग लेना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, आ तो डाके प्रभु से बोलिए, प्रभु से बोलिए पापा मेरे द्वारा बहुत आत्मा बचना है, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, आ तो डाके आप प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, मुझे सहायता करें, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे अभिषेक दे, सामर्थ दे, वरदान दे, मैं केवल घर के अंदर ही बैठे ना रहे, घर के अंदर ही बैठे ना रहे, आओ जहाँ पर नया नया जहाँ पर जाना है, नया नया जहाँ पर जाना है, नया नया जहाँ पर जाके यीशु के बारे में बताओ, माने ना माने, चाहे उसका चलते मुझे कितना भी निंदा अपमान दुख मिले कोई बात नहीं, मैं प्रभु के लिए मैं सहेंगे, बोलिए मैं प्रभु के लिए सहेंगे, वो प्रभु का सुई समाचार बताने के चलते मेरे को कितना भी दुख मुसीबत है और कितना भी निंदा अपमान मिले, कितना भी मार मिले, मैं सहने के तैयार हो, लेकिन प्रभु के लिए मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए सेवा करना चाहती हूँ। आज प्रभु उठाओ एक एक हाथों को पकड़ ले मेरे परमेश्वर, अपना ज्ञान से बुद्धि से सामर्थ्य से भरपूरी कर, हर एक भेड़ बकरिया हर एक झूम दे, ओ प्रभु बच्चा देने पाए, जैसा ओ खुदावन ने सांत साहब सालोमन में लिखा है, उनमें से हर एक भेड़ जुड़वा बच्चा देता है, हर एक भेड़ जुड़वा बच्चा देता है। ओ द लॉर्ड अरबा नमा शंदल रीवा नमा, ओ दया कर प्रभु, सहेला कर प्रभु, आशीर्वाद कर इसी झुंड में हर एक भेड़ बकरी, ओ प्रभु ओ बहुत से जो बच्चा देने में प्रभु मदद कर, प्रभु मदद कर, इस साल 2023 आपका आगमन बिल्कुल निकट है, उसके पहले हमसे कितना हो सकता है, उतना लोग नरक का आग से बचा के, नरक का आग से बचा के और मसीह में लाने में प्रभु मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर, मुझे वो बोझ दे पापा, मुझे वो बेच दे प्रभु, बोला मुझसे विनती कर, मुझसे विनती कर, मुझसे विनती कर, मैं तुम्हें ओ मनुष्य का संज्ञा को बढ़ा दूंगा, भेड़ बकरी का संज्ञा की तरह तुम्हारा मैं मनुष्य का संज्ञा को बढ़ा दूंगा रे, मेरा वो शगुन रिया इस साल में हजारों हजारों झूठ मन फिर गए 25 माह के लिए तैयार होने में प्रभु मदद कर, कलिशा को हर एक को प्रभु अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करने के लिए मैं विनती करते आशीर्वाद यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह।